तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। आज मैं आपके लिए मैगी स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक ऐसा स्प्रिंग रोल है जिसमें हमें आटा गूंदने का ज़रूरत नहीं है और ना ही शीट बनाने की ज़रूरत है। बहुत ही झटपट से बनाएंगे और कम समय में बनाएंगे। बहुत ही अच्छा और टेस्टी एक स्नैक्स रेसिपी है। बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सबको ये रेसिपी पसंद आएगी आपकी। आप लोग मेरा ये वीडियो पूरा देखिए और अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करिए और बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी आई है। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैगी स्प्रिंग रोल। तो देखिए पैन में मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ये वेजिटेबल ऑयल है, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। अब ऑयल हो गया गरम, मैं यहाँ पर थोड़े से प्याज डालूँगी। तो यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने इसे चॉप कर रखा है वो डाल रही हूँ। प्याज को आपको जस्ट थोड़ा सा सॉटे करना है, जस्ट 1 मिनट के आप इसको फ्राई कर लीजिए मीडियम फ्लेम पे। अब प्याज के साथ ही साथ मैं यहाँ पर 1/4 कप फ्रोज़न मटर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ये मटर डाल दिए हैं मैंने और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अभी 1/4 कप लाल शिमला मिर्च डालती हूँ। आपके पास किसी भी कलर की शिमला मिर्च हो वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं आप। इसमें आपको कौन सी वेजिटेबल पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मिक्स कर देना है इसे और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो ये हमारी वेजिटेबल्स है ना ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इनका क्रंच लूज मत करिएगा, जस्ट इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसको कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने 2 मैगी लिए हैं, उनके मसाले लिए हैं मैंने यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गया है। अब मैं यहाँ पर टमाटर डालूंगी, तो यहाँ पर एक छोटा सा टमाटर डाला है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर हल्का सा नमक डालूंगी, जस्ट 1/4 टीस्पून, क्योंकि मसालों में भी नमक होता है मैगी मसालों में। तो यहाँ पर हल्का सा नमक डाला, मिक्स कर दिया, इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, वेजिटेबल सब कुछ पक गया है। अब जो हमारा मैगी मसाला है मैं यहाँ पर 2 पैकेट मैगी मसाले के डाल दूंगी। तो यहाँ पर फ्लेम को आपको मीडियम पे ही रखना है। मैगी मसाला डालने के बाद इसको 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला है लाल मिर्चों का पाउडर और इन सबको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप 3/4 तक डाल सकते हैं, 3/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कम डाला है, 1/2 टीस्पून। अब देखिए यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर पानी डाल दिया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें अपना मैगी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं अभी 2 मैगी डाल देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे कवर कर देंगे इसे 4-5 मिनट के, तब तक हमारी जो मैगी है ना पक जाएगी। तो यहाँ पर डाल दिया है, कवर कर देना है और 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। जब तक हमारी मैगी पक रही है हम यहाँ पर अपनी शीट्स बना लेते हैं स्प्रिंग रोल की। तो देखिए आज मैं यहाँ पर ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं उसे आपको निकाल लेना है। मैं यहाँ पर 4 ब्रेड स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ। इन कॉर्नर से हम ब्रेड क्रम बना लेंगे। अब आपको क्या करना है कि इस ब्रेड को आपको फ्लैट करना है। तो यहाँ पर अभी हम अपना बेलन लेंगे या किसी भी रोलर से आपको इसे फ्लैट करना है। थोड़ा सा प्रेशर दे के आप इसको बेलिएगा ऐसे, उससे क्या होगा ना जो हमारी ब्रेड है बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगी और इसको फिर मोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी एक शीट हमारी स्प्रिंग रोल की रेडी हो गई है। दूसरी भी बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे जैसे मैंने बताया आपको। थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसे बेलिएगा, उससे क्या होगा ना जल्दी से वो फ्लैट हो जाएगी। सारी ब्रेड को अब हम ऐसी ही फ्लैट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो गए, हमारी मैगी रेडी हो गई है। लास्ट में मैंने 1 टेबल स्पून डाला है टमाटो केचप, मिक्स कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम अपने स्प्रिंग रोल्स बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून लिया है मैदा और उसमें मैं 2 टेबल स्पून पानी डाल के बिल्कुल एक थोड़ा सा थिक सा बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। ये बैटर हम यूज़ करेंगे अपने स्प्रिंग रोल्स को चिपकाने में, बिल्कुल सील करने में। तो यहाँ पर एक अच्छा सा घोल बनकर रेडी हो गया है थिक सा। तो चलिए इसे साइड कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम लोग अपने मैगी के स्प्रिंग रोल्स बनाने शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी एक ब्रेड ले रही हूँ जो हमने
फ्लैट करके रखी हुई थी। एक कॉर्नर पे को हम डालेंगे अपना मैगी और इसको ऐसे रोल करेंगे, और जो कॉर्नर आएगा उसमें हम अपना मैदे का मिक्सचर लगाएंगे और इसको ऐसे सील कर देंगे। जहाँ से भी ओपन होगा वहाँ पर आप वो मैदे का मिक्सचर लगाइएगा और इसे सील कर दिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग रोल ऐसे बनकर रेडी हो गया है। इसे अब हम लगा देंगे अपने प्लेट में और सारे ऐसे ही बनाकर अब हम लोग रेडी कर लेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ से खुलेगा वहाँ पर आपको मिक्सचर लगाना है और इसे सील कर देना है। तो यहाँ पर अभी मैंने एक रेडी कर लिया, एक और दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए साइड में भी आप ऐसे लगा लीजिए, हर कॉर्नर पे लगा दीजिए ताकि वो अच्छी तरीके से सील हो जाए, जैसे मैं कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर लगा दिया है और इसको आप अब फोल्ड कर लीजिए तो बिल्कुल ही ये चिपक जाता है अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर भी ये बंद हो गया है। तो सारे अभी हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं, तो इन सबको मैं रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इतने स्प्रिंग रोल्स रेडी कर लिए हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, पैन में मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल डाल सकते हैं आप या फिर तेल भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट आज मैं यहाँ पर डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। मैंने बस 2 टेबलस्पून देसी घी में इसको टॉस करके निकाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी आपको अलट पलट करके इसको फ्राई कर लेना है, जैसे हम लोग ब्रेड वगैरह टोस्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी करके निकाल सकते हैं, बट फिर वो यही हो जाता है कि ज़्यादा ऑयली हो जाता है। इसमें होगा तो कम ऑयल में आप इसे टोस्ट करके निकाल सकते हैं। जहां जहां से व्हाइट कलर रहेगा वहां वहां आप इसको फोल्ड करके अच्छा कलर आने तक आप इसको फ्राई करके निकाल लीजिए। तो देखिए यहां पर हमारे जो स्प्रिंग रोल्स हैं मैगी के वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो इन्हें अब मैं प्लेट से निकाल लेती हूं और बाकी भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी फ्राई करके रेडी कर लेती हूं। तो देख सकते हैं यहां पर हमारे मैगी के स्प्रिंग रोल्स बनकर रेडी हो गए हैं। मैंने ऊपर थोड़ा सा मायनीज और टोमेटो केचप उसके ऊपर ड्रिजल किया है, ऑप्शनल है। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और बहुत ही इजी है, हर किसी को पसंद आएगा। आप सब लोग इस रेसिपी को बनाइएगा, बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी आई है। मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो अगली और अच्छी सी रेसिपी और आसान सी रेसिपी के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।